इतना परिश्रम किए हैं, परिश्रम का जो भी आपने मेहनत किया है, मेहनत उसी में आपको समझ में आएगी। यानी नया वर्ष आप ये मना रहे हैं अगर 1 जनवरी को, और हिंदू का जो नया वर्ष है वह चैत्र में शुरू होता है। तो भारत में, हाँ भारत में हिंदी और इंग्लिश हो गया है भारत, तो 1 जनवरी और चैत्र के बीच में आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा होगी। उस बोर्ड की परीक्षा से पहले आप लोगों को नए वर्ष की हम शुभकामना देते हैं, नहीं आएगी, और यह कामना करते हैं और यह आशा रखते हैं कि आपका नया वर्ष बड़ा ही मंगलमय होगा और आपकी आशाओं पर खरा उतरेगा। आपके मन में जो भी सोच है या आप जिसकी कामना रखते हैं वह आपकी कामना पूरी हो, यह मैं विद्यालय और कोचिंग की तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। यह कार्यक्रम आगे चले, हम सभी अपने अध्यापकों से अनुरोध करेंगे कि बारी बारी से सभी लोग बच्चों को संबोधन करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करने हेतु, बच्चों को सही दिशा निर्देशन देने हेतु कुछ शब्द बोले और इनको मोटिवेट करें। इनके अंदर जो भी ऊर्जा है वह निगेटिव में ना हो और पॉजिटिव में हो, अर्थात इनकी जो मेहनत हो, परिश्रम हो, वह किसी उद्देश्य को रखकर में हो, न कि अपनी ऊर्जा को बेकार में जाने दें।